कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी, क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे। अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। आप सभी जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं वह प्रशंसनीय है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादा पूर्वक अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार 100% प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं यह विधायिका, कार्यपालिका और करोड़ों बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसकी सकारात्मक चर्चा और प्रचार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती है। और अरे ये नहीं, अब बैठ जाइए, सुनिए पूरी बात। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय दो सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का, 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी, क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे। अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है, इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खड़े उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जनप्रतिनिधियों को अग्रिम परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से विभिन्न तरफ की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें कलंकित करने के लिए नित नए नए प्रयास हो रहे हैं। यह बिहार विधानसभा परिसर से शुरू हुई घटना भी उसी के एक कड़ी है। इस तरह की घटना कहां तक जाएगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें। इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी छवि धूमिल होगी बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा की छवि धूमिल होगी और आगे भी होती रहेगी। ऐसा घटना न घटित हो, ये हमारी, हम सबों की जिम्मेवारी है। यह ध्यान रखें, एक अंतिम आग्रह है।